नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक सब्सक्राइबर का यह सवाल है कि मेरे परदादा ने किसी व्यक्ति से सन 1959 में जमीन रजिस्ट्री कराया था और उनके नाम से जमाबंदी कायम है और उसी जमाबंदी से लगान रसीद 2023 तक कटा हुआ है। अब उस जमीन का कुछ हिस्सा मेरा भी है, तो हम अपने जमीन का जो हिस्सा है, मतलब अपने हिस्से का जो जमीन है, उसका जमाबंदी कायम कराना चाहता हूँ, तो यह संभव है? दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बात है कि आपके परदादा ने किसी खतियानधारी से सन 1959 में जमीन खरीदा था और उस बेस पर उसका दाखिल खारिज हुआ, उसका जमाबंदी कायम है और 2023 तक उसका लगान रसीद कटा हुआ है, लगान रसीद कटा रहे हैं, अब आप चाहते हैं आपका जो है अपने हिस्से का जो जमीन है उसके लिए आप अलग जमाबंदी कायम कराना चाहते हैं, आपका अलग जमाबंदी कैसे होगा, इसी को जानना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको वंशावली तैयार करना है, ठीक है? एक वंशावली बनाना पड़ेगा, वहां से, मतलब जहां से उस जमीन का स्टार्टिंग पॉइंट है, जिनके नाम से जमीन है, वहां से, यूं कहे तो आपके परदादा के स्टार्ट पॉइंट से, वहां से आपको वंशावली बनाना है नीचे तक, मतलब आप खुद तक, जहां पर आपका नाम आ रहा है वंशज में, वहां तक आपको इस टाइप से वंशावली बनाना है। और उस वंशावली के आधार पर आपके पास जो दस्तावेज है, जैसे कि जमीन रजिस्ट्री का पेपर, लगान रसीद और आपका वंशावली, उसके आधार पर आप राजस्व कर्मचारी से मिले और वहां पर जो है आपका जो भी शेयर बनेगा वो आपको दर्शाना पड़ेगा। अगर आप एक चीज इसके साथ और कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। आप अपने, अगर ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो वहां पर जो है सरपंच महोदय के थ्रू एक बैठक करके पंचनामा रेडी कर लीजिए। और यदि आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आप अपने वार्ड पार्षद के थ्रू एक बैठक करके वहां पर आप जो है एक पंचनामा तैयार करवा सकते हैं। उस पंचनामा का दस्तावेज भी आपके पास बन जाएगा। तो उस पंचनामा में ये मेंशन होना चाहिए कि आपके हिस्से में कितना जमीन आ रहा है, ठीक है? साथ ही आप एक अमीन से पैमाइश करवा के अपने हिस्से का प्लॉट अलग भी करा सकते हैं। मतलब प्लॉट मतलब खेसरा नंबर हो जाता है, मतलब उस खेसरा नंबर का जो भी पार्ट है आपके हिस्से का, उसको आप अलग करा सकते हैं। तो अमीन का भी एक रिपोर्ट आप ले लें, अमीन का रिपोर्ट, पंचनामा, जमीन रजिस्ट्री का पेपर, लगान रसीद और वंशावली, ये पांच दस्तावेज आप अपने पास रखें और आप अपने मौजा के राजस्व कर्मचारी से मिलें और उन्हें पहले वार्तालाप के रूप में आप बोलें कि मुझे अपने शेयर का जो भी जमीन है उसको अपने नाम से जमाबंदी कायम कराना है, ठीक है? तो वहां पर जो है आपको बताएंगे कि आप आवेदन दें और इसके लिए आपको अंचल में आवेदन देना पड़ेगा, तब फिर आपकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाया ही जाएगा, ठीक है? क्योंकि किसी अदर पर्सन से आप जमीन नहीं खरीद रहे हैं, आपका अपने पूर्वज का जमीन है, तो वहां से आपके, आपका जो भी वर्क है इस तरह का, अपने शेयर का अपना जमाबंदी कायम कराना वंशावली के आधार पर तो होगा, ठीक है? इस तरह से आप करेंगे तो हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।